हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल शिक्षा ले। तो आज हम बात करेंगे पीजीटी परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट की, क्योंकि बहुत अच्छा खासा नंबर है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, हर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की पीजीटी टीचर की रिक्रूटमेंट यहाँ देखने को मिली है। और ये वैकेंसी जो है आपकी भुवनेश्वर से आई है, नोटिफिकेशन आपको यहाँ शो हो रहा होगा। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर ना आपसे सीटेट या टेट किसी प्रकार का, दूसरी चीज आपसे बीएड भी नहीं मांगी जा रही या बीटीसी भी नहीं मांगी जा रही। सिर्फ अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं आपके मास्टर्स में, ठीक है, और अगर आप कंसर्न सब्जेक्ट्स में एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे उस वैकेंसी के लिए। और ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, तो अगर बात करें सैलरी की तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी, पे लेवल आपको 10 देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा खासा सैलरी बना देगा आपकी, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी, आपको मैंने जैसे बता दिया 1050 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आपकी अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया भुवनेश्वर से ये वैकेंसी आई है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके वो 11 तारीख से शुरू हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट डेट जो है आपकी वो है 13/10, यानी कि 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक बात यही कहना चाहूंगी कि अगर एलिजिबल होते हो तो टाइम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, लास्ट मोमेंट पर कई बार साइट में बहुत ज्यादा रश देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ओवरऑल डिटेल्स के बारे में, तो पहले मैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बता देती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है 1050 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आपकी किन किन सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इसकी 2 वैकेंसी हैं। बायोटेक्नोलॉजी 1 वैकेंसी है। बॉटनी 51 वैकेंसीज हैं। केमिस्ट्री 75, कॉमर्स की 73, इकोनॉमिक्स की आपकी 146, और एजुकेशन की 56, इंग्लिश की आपकी 115 यानी कि 115, जियोग्राफी की 4, जियोलॉजी की 4, हिंदी की 4, हिस्ट्री की 71, और होम साइंस की 10, ERMP, इसके 2 वैकेंसी हैं। लॉ की 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 1, लॉजिक एंड फिलोसफी की 37 वैकेंसी, मैथमेटिक्स की आपकी 52 वैकेंसी, ओडिया की 49 वैकेंसी, फिजिक्स की 53 वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों की जो कि कहीं भी जल्दी से देखने को मिलती नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो वैकेंसी है 146 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी की आपकी 12 वैकेंसी हैं, संस्कृत की 37, सोशियोलॉजी की 18, स्टैटिक्स की 4, तेलुगु की 1, उर्दू की 1, और जूलॉजी की 38 वैकेंसीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, सॉरी मैं आपको उतना बता रही थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1065 है, ठीक है, और इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखी हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब आपको पता चल गया अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर मैच करता है तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं आपकी एज की, बात करें तो एज 21 से लेकर अगर 42 के बीच में आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हाँ एक चीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें आपकी, तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स होनी चाहिए आपके, आपके परसेंटेज, या फिर अगर आप ST, SC या फिर PWD से बिलोंग करते हो तो 50% में भी आपका काम चल जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो आपका लिया जाएगा वो आपका 200 नंबर का पूरा ओवरऑल क्राइटेरिया होगा, जिसमें कि 25 आपके करियर एकेडमिक्स होंगे और आपका जो 25 वाइवा के होंगे, यानी कि आप मान लीजिए 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया और 25 मार्क्स के ही आपके जो एकेडमिक्स है, ठीक है। अगर किसी ने PhD किया है, किसी ने नेट GRF निकाला है तो उसके लिए 10 नाम नंबर, और किसी ने अगर सिर्फ ओ सॉरी PhD किया है तो उसे 25 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला, और एग्जाम रिटर्न एग्जाम जो होगा आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1.5 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बता दी, और इसके बाद अगर हम बात करें पूरा नोटिफिकेशन, तो फीस जो है आपकी वो 500 फीस है, और प्रोसेस, हाँ
अच्छा यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी दे रखी हैं। तो अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ठीक है। कैंडिडेट कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट ओडिया मस्ट हैव। तो कुल मिलाकर ये बात है, अगर अदर कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं अगर वो ओडिया लिखना और पढ़ना ये सब जानते हैं, ठीक है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी www.ssbodisha.ac.in यहाँ पर है। ये वेबसाइट आपको मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी बनती है तो फॉर्म फिलअप कीजिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा अगर बात करें तो आपकी अगर सिलेक्शन होता है तो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह भी इसमें डिटेल दे रखी है। पूरा नोटिफिकेशन ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी और इसका ऑफिशियल जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगी। आप अगर एलिजिबल होते हो तो पहले जाके फॉर्म भर देना और जो सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं उन्हें भी देख लेना, ठीक है। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा, कुछ छूटा हो, कुछ लगता है कि कोई चीज़ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी कि कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे और अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर एलिजिबल होते हो तो ज़रूर अप्लाई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।